गाइस ये क्या है बताओ, कमेंट में बताओ ये क्या है। एक डंडा रिबेलन, एक डंडा रिबेलन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। काफी दिन हो गए यार, कोई व्लॉग नहीं आया। और आपने जितने भी मेरे पहले व्लॉग देखे होंगे इधर उधर के, पर भीमताल में रह के मैंने भीमताल का व्लॉग नहीं बनाया। अच्छी बात नहीं है ना। तो आज चलते हैं भीमताल का व्लॉग बनाते हैं, दिखाते हैं आपको भीमताल और बताएंगे भीमताल के बारे में। तो गाइस भीमताल तो हम पहुंच चुके हैं और यह है तिकोनिया। और यहाँ से ऐसे मतलब सीधा जाओगे भीमताल आ जाएगा और ये जाता है हल्द्वानी का रास्ता। तो व्लॉग बना रहे हैं तो ढंग से बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हल्द्वानी से एंट्री होती है, जब जहाँ से एंट्री होती है भीमताल की, वहाँ चलते हैं। तो गाइस ये रास्ता आता है आपका हल्द्वानी से, ये जाता है भीमताल। और भीमताल वैसे ये वाला रास्ता भी जाता है अगर किसी को आना है तो। ये सिर्फ ये जो रास्ता है, बड़ा वाला रास्ता है, ये है कार के लिए, कार बड़ी गाड़ियों के लिए। यहाँ से टू व्हीलर जा सकते हैं, बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ से जाएंगी बड़ी गाड़ी है, यहाँ से जाते हैं टू व्हीलर। तो हमारे पास टू व्हीलर है तो हम यहीं से चलेंगे अभी। और वहाँ से तो आपको दिखाई दिया हमने, अब यहाँ से चलते हैं। तो गाइस इस रास्ते पे काफ़ी सारे अच्छे वो भी हैं, क्या कहते हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं इस वाली साइड में। उधर भी है काफ़ी अच्छे, पर इधर कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। सारे लेक व्यू हैं इधर पे। रास्ता देखिए कितना प्यारा रास्ता है गाइस, खुला खुला सा ताल है। ये देखिए गाइस यहाँ से लेक का व्यू, भीमताल लेक, पूरी लेक आपके सामने। ये देखिए तो भाई, जो अभी जहाँ पे हम गए थे उसको कहते हैं तल्ली ताल, उस एरिया को कहते हैं तल्ली ताल। और मतलब लेक की जो नीचे वाली साइड होती है उसको कहते हैं तल्ली ताल, और जो ऊपर वाली साइड है वो है मल्ली ताल। और भीमताल के बारे में कुछ ऐसा है कि कहा जाता है कि यहाँ पे भीम जी आए थे, उन्होंने अपना गदा मार के यहाँ पे ताल बनाई है। और जब पांडवों का युद्ध हो रहा था महाभारत काल में, तो तब की बात है, तो वो यहाँ पे आए थे। फिर एक आकाशवाणी भी हुई थी जिसमें बोला गया था, अगर आपको लोग चाहते हैं, आपको जाने लोग, तो यहाँ पे एक मंदिर बनवाइए महाकाल जी का, शिव जी भगवान का मंदिर बनवाइए। तो उन्होंने बनवाया भीमेश्वर महादेव, इसलिए यहाँ पे एक मंदिर भी है भीमेश्वर महादेव। तो उन्हीं के नाम पे फिर इसको पूरे शहर का नाम पड़ गया, इस लेक का नाम आया भीमताल। और भाई इस ताल की गहराई है 128 फीट, मतलब 128 फीट गहरी ताल है ये, और कुमाऊँ रीजन की सबसे बड़ी ताल है ये। काफ़ी बढ़िया है, देखिए आप। तो गाइस ये है भीमेश्वर महादेव जी का मंदिर, और यहाँ भागवत भी चल रही है। भागवत पाठ हो रहा है। टीका भी लगवा लिया हम दोनों ने, मस्त एकदम। तो गाइस चलते हैं अब धीरे धीरे भीमताल की ओर। और इस लेक के, ये लेक है, इसके इधर साइड डैम भी बना है, आपको दिखाता हूँ अभी मैं डैम। ये देखिए गाइस यहाँ पे है डैम। तो गाइस ये है डैम, काफ़ी सुंदर डैम बनाया हुआ है। डैम कम पार्क ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो, क्यों? और ये किससे बनाया गया? चूना और पत्थर से बनाया गया, तभी ये इतने सालों तक टिका हुआ है यहाँ पे।
काफ़ी मजबूत डैम बनाया गया है। आपके सामने एक्वेरियम कैफ़े, जो अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम हुआ है इसको बने हुए, तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। एक्वेरियम है और नॉर्मल कैफ़े है जैसे वो है। तो किसी को जाना है तो यहाँ से बोट से जा सकता है। 100 रुपये लेता है बोट वाला और छोड़ देता है, 100 रुपये लेता है और वहाँ छोड़ देता है। और ये तो कुछ नहीं, पहले एक यहाँ पे अंकल हुआ करते थे, ये लेक के बीच में से टापू हुए अंकल बैठते थे, उसके कढ़ी चावल और राजमा चावल बहुत टेस्टी थे, उनकी वजह से ये फेमस हुआ था। फिर उसको अपग्रेड कर करके ये एक्वेरियम कैफ़े बना दिया धीरे धीरे। चलो आपको ले चलते हैं कहाँ, डाट पे है, डाट पे चलेंगे, डाट किसको कहते हैं आपको दिखाता हूँ डाट क्या है, चलते हैं। तो गाइज इसको कहते हैं डाट, ये है डाट एरिया, मतलब डाट वैसे होता क्या है, ये इनको ही नहीं पता, हमें नहीं पता, पर यहाँ इस एरिया को कहते हैं डाट। और यहाँ पे आते हैं लोग, शाम को आते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब वो रहता है माहौल, काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी एक्टिविटीज़ भी होती हैं यहाँ पे, अभी आपको बताता हूँ। अभी आपको पहले मार्केट दिखा देता हूँ, यहाँ पे छोटी सी मार्केट है खाने पीने की, कपड़ों की, वो दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ ये है यहाँ की छोटी सी मार्केट, जहाँ पे गेस्ट हाउस भी है और कपड़ों की दुकान भी है, रेस्टोरेंट भी है, छोटी छोटी शॉप्स हैं, मैगी वैगी खाने के लिए ठेले हैं, काफ़ी अच्छा है। और किसी को बेस्ट मोमो और थप्पा खाना है ना, अपने भाई कौन सी दुकान है वो, ये कौशल्या की दुकान है, कौशल्या की दुकान है ये वाली, इस दुकान पे आओ। पांडे डेली नीड्स वाली, ये वाली, इस पे आओ, आपको मिलेंगे बेस्ट मोमोज और थप्पा। तो गाइज अब विजय भाई हमें एक जगह लेके जा रहे हैं जहाँ से लेक का पूरा व्यू आता है ऊपर से, और चलो चलते हैं पहले, फिर देखते हैं वहाँ पे। अभी आए हैं हम सांगुड़ी गांव, और यहाँ से पूरा लेक व्यू दिखता है। लेक व्यू आपको और भी अच्छा देखना है तो पांडे गांव से दिखता है, और करकोटक से दिखेगा, काफ़ी बहुत ही बढ़िया, बहुत कहीं भी हाइट में जाओ, तो कहीं भी हाइट में जाओ आप, या उस पहाड़ पे चले जाओ, इस पहाड़ पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको लेक व्यू दिख जाएगा काफ़ी अच्छा। और ये देखिए आपके सामने है, काफ़ी सुंदर नज़ारा, काफ़ी सुंदर। और ये गाइज आपको शायद पता नहीं होगा, आपको सामने से भी दिखाते हैं, ये है कर्नल की कोठी, कर्नल की कोठी कहते हैं इसको, और ये नहीं पता कर्नल कौन सा है वो पर आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया में, प्रीति जिंटा का घर होता था ये, यहाँ पे बैठते थे वो जो रोहित होता था, उसका नाम क्या था, जादू का भाई यहाँ से ऐसे गुलाब दिखाता था उसको और वो वहाँ बैठी होती थी, वही है, ये वही घर है। तो गाइस चलते हैं वापस भीमताल लेक, ऊपर से आपको व्यू दिखा दिया, काफ़ी अच्छा व्यू था, हमने भी काफ़ी अच्छे शॉट्स ले लिए हैं रील के लिए। तो गाइस ये रास्ता इधर वाला नौकुचिया ताल भी जाता है, और मैंने नौकुचिया ताल का व्लॉग भी डाला है ऊपर, आई बटन में आपको मिल जाएगा, देख लेना आप। गाइज दिस इज पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, और यहाँ टोल कटता है, हमारा तो नहीं कटता, आप लोगों का जरूर कटेगा आप आओगे तो। यहाँ पे दुकानें हैं काफ़ी, अभी कोई कुछ दुकानें खुली नहीं है। यहाँ पे गेमिंग जोन भी है, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, बड़े बच्चों के लिए तो है नहीं कुछ यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक्टिविटीज़ यहाँ पे काफ़ी होती है, जैसे बोटिंग होती है, पैडल बोट होती है, काइकिंग होती है, और साइकिलिंग भी होती है, साइकिल वहाँ पे खड़ी हैं सारी, साइकिलिंग भी कर सकते हैं। और वाटर जॉबर तो अभी इन्होंने हटा दिया है, वैसे वाटर जॉबर बता दूँ, एक जो पानी में जो बड़ी सी बॉल होती है इसमें अंदर भागते हैं उसे कहते हैं वाटर जॉबर, वो भी होता है यहाँ पे, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, आप आगे कर सकते हैं, पर पर्सनली मेरे को
अच्छा लगता है सात ताल, सात ताल में आई लव सात ताल। वहाँ पे जाके काइकिंग बोटिंग करने में ना अलग ही मजा है, जंगलों के बीच में है वो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको इतने होटल्स वगैरह ये सब वो सब दिखेगा, वहाँ पे कुछ नहीं, जंगलों के बीच में एकदम शांति शांति में। गाइस 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 चलें वापस। उससे पहले आप ये पढ़ लीजिए, इसको पढ़ो। चलें चलें गाइस चलें वापस चलते हैं फिर। ओके गाइस अब वापस चलते हैं उत्तराखंड टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म में दिखा देता हूँ एक बार। वापस चलते हैं, क्या वापस चलते हैं यार, उत्तराखंड टूरिज्म भी देख लीजिए आप एक बार। इस सारे एरिया कवर करेंगे हम, सारे एरिया, सात ताल भी जाएंगे, मुक्तेश्वर आपको दिखाई दिया है ब्लॉग, भवाली भवाली भी दिखा दिया है, जब आपको घोड़ा खाल लेके गए थे हम मंदिर, खुरपाताल नहीं गए, हनुमानगढ़ी गए, हनुमानगढ़ी नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, अच्छा हाँ नौकुचिया ताल का भी दिखा दिया आपको, किलबरी वहाँ है नैनीताल से ऊपर, किलबरी है नैनीताल से ऊपर, नैनीताल का ब्लॉग आएगा तब आपको वहाँ भी ले जाएंगे। इस मैंने पहनी है पिंक शर्ट, इन्होंने पहनी है ब्लैक शर्ट, हमारा कोई मकसद नहीं है, हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना मैं बारहवीं को सपोर्ट कर रहा, ना ही ओपन हाइमर को कर रहे हैं, हमने रैंडमली ऐसी पहन ली है भैया, हमें मतलब ही नहीं है इन मूवियों से कोई, हमारा सिस्टम अलग है, सिस्टम है ओह एल्विस भाई को सपोर्ट करो। तो दोस्तों ये है कचोला देवी मंदिर, यहाँ का लोगों का मानना है कि इस मंदिर के आसपास ये पानी है जितना, इससे अगर आप अपने मुंह धो लेते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं, तो आपकी जितनी भी शरीर में एलर्जी है सारी खत्म हो जाती है। विज्जू के दोस्त जा रहे थे, उन्होंने टोक दिया बीच में कि विज्जू, तो गाइस चलते हैं वापस, और मानते हैं कि गंगा जल जितना पवित्र ये पानी है यहाँ का कचोला देवी का, तो आप आओ कचोला देवी भी आना, सांगुड़ी गांव भी जाना, एक्टिविटीज़ भी करना, वन बाइट भी आना, एलेक्सर ऑफ नेचर में रुकना, और भीमेश्वर महादेव भी जाना, हमसे भी मिलना। ये है मेन भीमताल का रास्ता, जहाँ से भीमताल शुरू होता है और भीमताल की आगे की जगह जर्नी शुरू होती है, जर्निया। तो यहाँ से अब नैनीताल और मुक्तेश्वर, भवाली, मेरा गांव, वन बाइट कैफे, एलेक्सर ऑफ नेचर, यहाँ से जा सकते हैं। और ये है वैरायटी स्वीट्स, किसी को मिठाई वठाई खानी है तो यहाँ पे मिलती है बढ़िया मिठाई, बढ़िया मिठाइयाँ, ओके यहाँ पे आके खाएँ, और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अभी मार्केट भी दिखाते हैं आपको भीमताल की। तो गाइस मेला भी लग रहा था, मेला हट चुका है, हरेला मेला है? आपको मेले में दिखाते हैं, आपको मेला लगभग हट चुका है, मेला अभी काफ़ी दिन से लगा हुआ था ये हरेला मेला। स्कूटी डाल दी गई है मेले में, झूले वूले सब मस्त। चलो यार चलो, इतनी जल्दी कभी मेला घुमा ही नहीं हुआ जितनी जल्दी हमने घुमा दिया आपको। देख रहे हो स्किल्स, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चले जाता है। गाइस ये क्या है बताओ, कमेंट में बताओ ये क्या है। लिटरी वाले ट्रक चलने लग गए यहाँ, तो अटैक वटोक ना हो जाएगा कहीं भीमताल में, संभल के रहना पड़ेगा। अब मैंने बहुत बदमाशी कर दी है इसलिए आया है, ये सिस्टम है हमारा भी। तो वापस आ चुके हैं, आपको दिखा दिया हमने भीमताल का सब कुछ बता दिया भीमताल के बारे में, और आज मैं जा रहा हूँ घर भी जा रहा हूँ मैं,
नाश्ता आश्ता करके बढ़िया पैकिंग करके मैं निकलूँगा घर। मैंने घर बताया नहीं किसी को, मैं घर आ रहा हूँ, फिर मैं घर जा रहा हूँ। परसों शिवम का बर्थडे भी है, फिर हम परसों वापस आएंगे न्यूल मैं और शिवम। गाइस मस्त, अब करते हैं पैकिंग बढ़िया, और हमारे फ्लैट के बाहर से आप व्यू भी देख लीजिए, गाय चारा चढ़ती हुई। और चाबी कैफे में भूल गया था मैं रूम की, तो रवि लेके आया अब चाबी रूम की। थैंक यू रवि, थैंक यू सो मच। चाबी मिल चुकी है हमें। तड़े कचरा, चिया गाइस, चिया पुणे सुपरस्टार, चिया। तो गाइस चलते हैं अब रुद्रपुर अपने घर, सामान सब पैक हो गया है, खाना वाना हमने खा लिया है, अब चलते हैं रुद्रपुर। नॉन स्टॉप जाएंगे रुद्रपुर, कहीं नहीं रुकेंगे, बीच में आपको घर जाके मिलते हैं अब। ओके पहुंच चुके हैं घर और हालत हो गई है काफी बुरी पसीने से। कहाँ गया था? मैं मंदिर गया था सुबह। ऐसी रात को प्लान बनाया। तो गाइस ऐसा है, मैं पहुंच चुका हूँ घर, व्लॉग आपको क्यों देखनी है? आपकी बालकनी क्या? आपकी बालकनी है ये, हमारी बालकनी में ये कपड़े कपड़े लत्ते सब यहीं भरे पड़े हैं बालकनी। तो गाइस खाना वाना खा लेते हैं अब, ठीक है? और भाई इसका परसों बर्थडे है, तो गाइस इसको क्या गिफ्ट दे रहे हो? आपका भी है क्या? मेरा नहीं है, इसका चश्मे का। इसको क्या गिफ्ट दे रहे हो गाइस? कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो इसको। इसको एक डंडा और बेलन। एक डंडा और बेलन। एक डंडा एक बेलन मिलने वाला है इसको। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भाई साहब व्लॉग देखो, काफ़ी दिन बाद आया, काफ़ी मस्त व्लॉग है, अच्छी जगह दिखाई है आपको, अच्छी जगह के बारे में बताया आपको। तो चिमटा ले शिवम, दे बोला है, ठीक है ना? ओके गाइस बाय बाय।